नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। 28 जनवरी 2021 में बदनावर की प्रमुख सड़कों का डामरीकरण किया गया था। ठेकेदार की लापरवाही के कारण डामरीकरण सही तरीके से नहीं किया गया था। इसका विरोध भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अक्षय शर्मा के नेतृत्व में किया गया था, जिसके पश्चात रोड का डामरीकरण उखाड़ा गया। आरोप था कि घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई, एरिया रगड़ने से डामरीकरण उखड़ रहा था, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक इसकी सुध नहीं ली गई है। जनता कर्फ्यू के दौरान प्रशासन के पास भरपूर समय था, परंतु इस समय का फायदा शासन प्रशासन द्वारा उठाया नहीं गया। व्यापारियों का कहना है कि आज यह हालात हो गए हैं कि व्यापारी अपनी दुकान पर झाड़ू लगाकर परेशान हो चुके हैं। इतनी धूल आ जाती है कि मोटी परत तक जम जाती है, मिट्टी भी उड़कर दुकानों में घुस जाती है, जिससे चोट लगने का भय बना रहता है कि कहीं हमारे आंख मुंह पर ना लग जाए। इतना जिम्मेदार कौन होगा? वैसे ही कोरोना काल में पॉजिटिव केस वालों की आर्थिक स्थिति पतली कर दी, थोड़ी बहुत कसर बची थी जो हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर ने कर दी। अब जनता अपना दुखड़ा किसको सुनाए? डामरीकरण का टेंशन तो पहले से ही पास हो चुके थे, फिर क्या कारण रहा कि काम बंद होने का कोई हलचल नहीं हो रही है? इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि ठेकेदार और पूरा सिस्टम भी मौन है। बदनावर नगर की प्रमुख मार्गों की सड़कों का निर्माण डामरीकरण कब तक हो पाएगा? नगर की जो सड़क है उसका डामरीकरण बारिश के बाद ही तत्कालीन कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन बारिश में जो सीमेंट कंक्रीट रोड है वह निकाय करवाएगी जल्द ही। जनता कर्फ्यू के दौरान आवागमन भी नहीं हो रहा था, ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि उसी समय निर्माण कर दिया जाता तो आज अच्छी स्थिति बनती और अच्छी सड़क का निर्माण होता। उस टाइम कोरोना महामारी को देखते हुए नहीं करवाया गया, क्योंकि पूरे शहर में लॉकडाउन था और लॉकडाउन में कुछ भी कार्य चालू नहीं था। ऐसी स्थिति में रोड का काम भी लॉकडाउन को देखते हुए नहीं करवाया गया था। ठेकेदार द्वारा कब तक का एग्रीमेंट है उसका? ठेकेदार द्वारा जो अनुबंध किया गया था उसके संदर्भ में निकाय द्वारा भी संबंधित को 2 से 3 लेटर जारी कर दिए गए हैं। वो मौखिक रूप से समक्ष में उनको बताया भी गया है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए यह कार्य बारिश के बाद ही तत्काल कर दिया जाएगा। आपका नाम? आशा भंडारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद बदनावर। खड़ा गया उसके बाद में कोई सुध नहीं ली जा रही है इसकी? रोड की सुध नहीं ली जा रही है। रोड इतना ख़राब बनाया था उस टाइम में भी, और अभी पूरी इतनी परेशानी आ रही है हमको कि हमारी दुकान के अंदर इतनी धूल हो जाती है और डर भय भी रहता है कि गिट्टी उड़ आती है, कभी लग नहीं जाए, ऐसा नहीं हो जाए। या तो सड़क को अभी लॉकडाउन के अंदर ही बना देना चाहिए ताकि परेशानी नहीं आती। अब बारिश आ रही है, अभी रोड कब बन पाएगा? और बहुत जिससे हमको काफ़ी परेशानी पड़ती है, और धूल उड़ने से हमारे शरीर को भी बहुत परेशानी है, और दुकानों के अंदर सब माल खराब हो रहा है हमारा। तो इसको शीघ्र से शीघ्र रोड को बनाया जाए। यदि मान लो गिट्टी उड़ के आपके मुंह पे या शरीर पे कहीं पे भी लग जाती तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे शरीर पे कहीं भी चोट आ जाए या कुछ भी हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं बोलने वाला। हमको बहुत परेशानी, जल्द से जल्द इसको रोड को बनाया जाए। आपका नाम? रमेश चंद पवार। बदनावर की प्रमुख सड़कों की हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्या आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है, धूला बहुत उड़ रहा है, गिट्टी उड़ने की समस्या है। जब वाहन निकलते हैं तो उससे जो गिट्टी उड़ती है वो उड़ के भी अंदर आ रही है, और धूल से काफ़ी लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। दूसरा, अभी लॉकडाउन के समय सब वाहन रुके हुए थे, उस समय शासन प्रशासन को रोड बनाना चाहिए था, जिससे वो सरलता से रोड बन जाता और काफ़ी अच्छा बन जाता। तो समस्या तो भरपूर है। और क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी अच्छा रोड बने और बारिश के पहले बन जाए, ताकि मजबूती आवागमन और ये जो धूला उड़ रहा है, ये डस्ट उड़ रहा है, ये उड़ना बंद हो जाए। आपका नाम? विश्वास जैन।
आपके शहर की विश्वसनीय और तथ्यपूर्ण खबरें देखिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।